Welcome to our channel, Hearing Tech Updates. My name is Vishwajeet Vishnu. आप में से कई लोग tinnitus के बारे में जानना चाहते थे, तो आज इस वीडियो में मैं tinnitus के बारे में आप लोगों से बात करना चाहता हूँ. Tinnitus एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके कानों में लगातार एक रिंगिंग सेंसेशन या ऐसा कह सकते हैं कि कुछ बजने की आवाज़ आती रहती है. तो सबसे पहले समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है. अगर किसी केस में आपको हियरिंग लॉस है और बाहर की आवाज़ें जो कि आपको एक सर्टन लेवल पे आनी चाहिए वो आपको नहीं सुनाई दे रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आपके कान में अंदर की आवाज़ आपको ज़्यादा प्रोमिनेंट हो या तकलीफ़ दे. या कई बार हमारे कानों में कुछ परेशानियों की वजह से, जैसे जो ऑसिकुलर चेन होता है कान के पर्दे के पीछे की, जो छोटी छोटी तीन हड्डियां होती हैं, कई बार उस पर कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से एक साउंड जेनरेट होता है जो कि नॉर्मली एक बाहर की आवाज़ आने के बाद ही वो साउंड जेनरेट होनी चाहिए, बट कई बार हमारे ईयर ये साउंड को ऑटोमेटिकली बिना किसी एक्सटर्नल साउंड वेव के भी जेनरेट कर लेता है. और ऐसे केस में हमें बिना किसी बाहर की आवाज़ होने के बावजूद अंदर की एक रेगुलर कंटिन्यूअस आवाज़ सुनाई देने लगती है. कुछ केसेस में ये आवाज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जैसे एक मार्बल कटर की आवाज़ होती है उतनी लाउड भी आवाज़ हो सकती है. इनफैक्ट जिन लोगों को tinnitus की ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ऐसा भी देखा गया है कि उन लोगों में कई बार सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाती हैं, क्योंकि उनके पास देयर इज़ नो अदर वे. और अगर 2400 घंटे किसी के भी कान में लगातार कोई शोर आती रहे तो मैं समझ सकता हूँ एज अ प्रैक्टिशनर कि वो कितना तकलीफ देती होगी. अब हम बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में. तो tinnitus का एज सच अभी तक कोई बहुत प्रोमिनेंट सॉल्यूशन नहीं आया है. इसका मतलब इसकी कोई दवा नहीं है, ना ही इसके लिए कोई सर्जरी अवेलेबल है एज ऑन डेट. कई सारे रिसर्च किए जा रहे हैं. कुछ लोगों का कहना है कि एक्यूपंचर से इसमें काफ़ी रिलीफ किया जा सकता है, लेकिन जो हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जिन लोगों ने एक्यूपंचर थेरेपी वगैरह भी ली है, उनका भी कहना है कि ये रिलीफ टेम्पररी होता है, कुछ समय तक थोड़ा बेनिफिट लगता है, लेकिन जो tinnitus की आवाज़ है वो कम्प्लीटली नहीं जाती है. तो अब हम बात करते हैं कि हियरिंग एड लगाने से tinnitus में आपको क्या बेनिफिट मिल सकते हैं. हियरिंग एड tinnitus की आवाज़ को ठीक नहीं करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि हियरिंग एड इज़ नॉट अ क्योर फॉर tinnitus. हियरिंग एड हमेशा ही जो tinnitus की आवाज़ है या कान के अंदर की आवाज़ है उसकी एक मास्किंग कर देता है. जैसे अगर कमरे में कोई आवाज़ आ रही है और बाहर से हम एक कूलर चला देते हैं तो बाहर की जो हमिंग साउंड है वो कमरे की आवाज़ को दबा देती है. उसी तरीके से जब हम एक हियरिंग डिवाइस यूज़ करते हैं तो वो दो स्टेजेस में काम करता है. पहले तो अगर हियरिंग लॉस है तो बाहर की नॉर्मल साउंड्स को या एनवायरमेंटल साउंड्स को एनहेंस करता है, जिससे आपको ज़रूरत की आवाज़ें तेज़ या सही लेवल पे मिलती हैं और इससे आपकी tinnitus की जो आवाज़ है वो कम हो जाती है, मास्क हो जाती है. दैट इज़ नंबर वन. इसके साथ में अलग अलग कंपनीज़ के पास में tinnitus का कुछ फीचर भी होता है, जिससे हम एक एक्सटर्नल म्यूज़िक या डिफरेंट क्वालिटी ऑफ साउंड हियरिंग एड में दे सकते हैं, जिससे वो tinnitus की आवाज़ मास्क होती है. इसको एक थेरेपी की तरह भी यूज़ किया जा सकता है. इन एक्सटर्नल साउंड को हियरिंग एड के थ्रू हम रोज़ाना 15 मिनट या 30 मिनट हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारे ब्रेन को बाहर की आवाज़ों पे फोकस करने की आदत हो और अंदर जो tinnitus की आवाज़ है वो मास्क रहे या कम रहे. जैसे सिग्निया ब्रांड में नॉच थेरेपी इंट्रोड्यूस की गई है, विच इज़ वन ऑफ इट्स काइंड. ये टोनल tinnitus के लिए मेनली यूज़ किया जाता है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की आवाज़ों में आपको tinnitus की आवाज़ आती है. इसके साथ में वेव थेरेपी भी आती है सिग्निया की हियरिंग एड में, जिसमें आपको एक बीच पे बैठे वेव्स की जो आवाज़ होती है एक वैसा एहसास होता है, तो आपको बहुत ही सूदिंग सी फीलिंग आती है. वाइडेक्स ब्रांड में जेन म्यूज़िक प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिससे आपको कुछ म्यूज़िकल टोन्स मिलती हैं और आपके ब्रेन को रिलैक्सेशन फील होता है, tinnitus की आवाज़ कम रहती है.
और भी कई ब्रांड्स में जैसे फोनैक, रीजाउंड, स्टारकी, इनकी भी जो अच्छी हियरिंग एड्स हैं उनमें टिनाइटस को मास्क करने का फीचर अवेलेबल है। तो अगर आपके पास टिनाइटस को लेके मन में और कोई भी सवाल है तो हमसे कमेंट सेक्शन में लिख के आप पूछ सकते हैं या हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी देंगे, सलाह देंगे। अगर किसी हियरिंग एड से ट्रायल की रिक्वायरमेंट है तो हम आपका ट्रायल भी कराएंगे जिससे आप खुद एक्सपीरियंस कर सकें कि टिनाइटस में आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। इसके साथ में इन हियरिंग एड में टिनाइटस के लिए अलग से प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब सब सुनेंगे।